अब तो लग रहा है रावण गिरा है तो हो ना सके फिर से सरकार भी गिरे और फिर नया सरकार बने। रावण गिर गया था इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा कि कैसे गिर गए। पटना के गांधी मैदान से जो रावण के गिरने की तस्वीर आई है उसे देखकर लोग लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हंसाने वाली तस्वीर ये है कि गिरने के बाद रावण उठने का नाम नहीं ले रहा था। लोग उठाने की कोशिश करते रहे कि उठो दशानन, तुम्हारे जलने का वक्त आ गया है, लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार क्रेन की मदद से रावण को उठाया गया और फिर उसे जलाया गया। इससे पहले हवा का झोंका आया और पटना के गांधी मैदान में रावण दहन से पहले ही रावण का पुतला धड़ाम हो गया। इसके बाद वहां मौजूद भीड़ जमकर तालियां बजाने लगी, लोग हंसने लगे। हालांकि इस दौरान गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब रावण के गिरने और दोबारा खड़ा कर जलाने को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोग कह रहे हैं जिस तरह से रावण गिरा है कहीं सरकार न गिर जाए। वहीं कुछ लोग रावण के गिरने को लेकर काफी खुश भी नजर आए। आयोजन तो बहुत अच्छा था लेकिन रावण गिर गया था इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा कि कैसे गिर गए, लेकिन फिर लेकिन क्या कहा जा सकता है, प्रकृति का था उसके लिए, अब जो हुआ अच्छा। क्या हुआ था गांधी मैदान? गांधी मैदान में हम लोग लंका दहन देखने गए थे, थोड़ी बरसात हुई और हल्का आंधी जैसा आया, उतना तेज भी नहीं था, उसी में रावण पहले जलने के पहले ही गिर गए। हम लोगों को तो लगा कि रावण को दोबारा खड़ा होकर नहीं देख पाएंगे, लेकिन पता चला थोड़ी देर के बाद उनको खड़ा किया गया किरान के मदद से। सरकार जैसे आती रहती है, गिरते रहती है, पटकती रहती है, इसलिए इस बार रावण भी अपने आप गिर गया। हाँ, अब तो लग रहा है रावण गिरा है तो हो ना सके फिर से सरकार भी गिरे और फिर नया सरकार बने। तो हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि एक स्थिर सरकार मिले, जाकि लोगों का उद्धार हो सके। बार बार सरकार बदलेगी तो उससे व्यवस्था भी चरमरा जाती है, तो इसलिए हम लोग तो यही चाहेंगे कि अगली बार जब हम लोग रावण देखने आए तो सही तरीके से हो, सब चीज हो और दोबारा न गिरे। बहरहाल बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचे थे। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद इस तरह का आयोजन हो रहा था, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम का असली आनंद जलते जलते रावण ही दे गया। पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।